गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ। और क्या है गाइस, अब सुबह का टाइम है, सुबह का बात है यार। और मैं जी घर का जितना सारा काम था लगभग कर ही चुका हूँ, बस एक पोछा लगाना ही बाकी है। और सुबह सुबह उठ के बच्चे लोगों को नाश्ता वास्ता दे, उन लोगों को स्कूल भेज दिए, उसके बाद आ गए किचन को सारा काम कर लिया, बस पोछा लगाना है, तो इसलिए पोछा लगाने के लिए बैठ गए हूँ। क्या है, मेरा खरगोश छोटा छोटा क्यूट सा भी खरगोश है, बेबी सब, तो उन लोग किचन में टॉयलेट करके पूरा गंदा कर दिया है, तो मैं इसलिए पोछा लगाने के लिए बैठ गया हूँ। और पोछा लगाते लगाते मैं सोचा क्योंकि उसके बाद आगे जगह में और भी सारा काम है, तो मैं सोचा ऐसे ही क्यों ना आप लोग एक ब्लॉग किया जाए। और आज ज़्यादा तो काका नहीं है, बस बच्चे लोग स्कूल का ड्रेस भी है वो भी धोना है, उसके बाद नहाना है, फिर पूजा वूजा करना है, फिर दोपहर के लिए लंच भी बनाना है, तो सुबह का काम पहले खत्म कर देते हैं। ये लोग पार्टी करने के बाद उसके बाद अपना पैर से पुछल देता है, ये इतना ज़्यादा बन जाता है कि वो नाम ही नहीं देते, छोटा छोटा है वो खरगोश लोग, लेकिन शरारत बहुत ज़्यादा करता है, मुझे तो परेशान कर देता है पूरा दिन, वो इतना बदमाशी करता है, मेरे बच्चे लोग के जैसा है बदमाश है। और बाहर का मौसम देख के लग रहा है कि आज भी धूप नहीं निकल रही, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश तो हो ही रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, आज भी धूप नहीं होगा, तो घर पर ही कपड़ा सुखाना पड़ेगा मशीन में, इसलिए फिर ज़्यादा भी नहीं धोएंगे, थोड़ा थोड़ा धोएंगे, थोड़ा थोड़ा सुखाएंगे, मशीन भी नहीं चलाएंगे आज, कारण जितना सारा कपड़ा धोए थे सारा का सारा हम मशीन में सुखाएँ, लेकिन आज और थोड़ा थोड़ा धोएंगे, कल थोड़े लोगों को और भी दूसरा यूनिफॉर्म है करने के लिए, इसलिए नहीं सुखाएंगे, ऐसे ही छोड़ झाड़ू लगाए हम वहाँ से दिन दिन भर, लेकिन फिर भी इतना सारा काम लगी है। तो बस मेरा तो किचन साफ करना हो, पोछा लगाना हो गया, आज के ब्लॉग बस यही पर एंड कर लेते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।